हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय न्यू व्लॉग। सो ये रहा हमारा होटल जो हमने बुक किया हुआ है। ये विला रॉयल रिजॉर्ट है। सो फ्रेंड्स वेलकम, एंड दिस इज आवर सेकेंड डे गोवा में। और ये दिखाता हूँ इधर का एरिया कैसा है। एचगिरी हम लोग अभी सुबह उठ गए हैं, सुबह के 6 बज रहे हैं अभी, और हम मॉर्निंग वॉक पे जा रहे हैं। दोस्तों मिलते हैं किसी देर में। तो दोस्तों मैं आपको यहाँ का एरिया दिखाता हूँ। अच्छा लग रहा है, सुबह का मौसम कूल है अभी। यहाँ पे गर्मी भी ज़्यादा नहीं है, नॉर्मल है, और अच्छा महसूस हो रहा है। हम हाफ टी शर्ट में आ गया हूँ मैं। और इस वक्त अगर देखा जाए दिल्ली नोएडा, वहाँ पे ठंड शुरू हो चुकी है, और यहाँ पे इतनी ठंड नहीं लग रही मुझे और मेरी पीटी को भी। हम मॉर्निंग वॉक पे जा रहे हैं अभी। यहाँ पर मैं आपको दिखाता हूँ दोस्तों, अच्छे अच्छे विलास रिजॉर्ट्स हैं यहाँ पे। सो आप देख सकते हैं गोवा इज़ फुल ऑफ ग्रीनरी। आप जहाँ पे भी नॉर्मल रोड्स पे भी वॉक करोगे तो आपको हर जगह ये कोकोनट ट्रीज देखने को मिलेंगे। एंड इवन यहाँ के जो घर हैं आप देख सकते हैं, ये बहुत ज़्यादा डिफरेंट है एज़ कम्पेयर टू अदर स्टेट्स। सो आई रिकमेंड कि आप अपनी लाइफ बिजी लाइफ से थोड़ा सा टाइम निकाल के आप गोवा घूमने ज़रूर आएँ। तो चलो दोस्तों आगे बढ़ते हैं रास्ते में कलंगूट बीच की तरफ। जो नॉन वेज केएफसी चिकन लवर्स हैं उनके लिए केएफसी भी है यहाँ पे, ये देखिए। तो दोस्तों ये गली जाती है कलंगूट बीच में। अभी सुबह का माहौल है तो इतना भीड़ नहीं है दोस्तों यहाँ पे, सो आराम से हम वॉकिंग के लिए जा सकते हैं वहाँ के बीच पे। शाम के टाइम में काफ़ी भीड़ हो जाती है दोस्तों यहाँ पे, पर अभी खाली है यहाँ पे, देखो। सो व्हाइल कमिंग बैक फ्रॉम बीच, हमने रास्ते में ही स्कूटी हायर कर ली है, जिससे अब हम जितनी भी प्लेसेस में गोवा में घूमेंगे तो हम स्कूटी की हेल्प से इजीली जा सकते हैं। तो ये बहुत अच्छा ऑप्शन है क्योंकि यहाँ पे ट्रैफिक ज़्यादा होता है, तो स्कूटी के थ्रू आप इजीली जा सकते हैं। तो अब हम अपने घर की ओर जा रहे हैं और उसके बाद हम जाएँगे कलंगूट बीच पर घूमने। सो फ्रेंड्स हम अपने होटल पहुँच गए हैं, कुछ देर में निकलेंगे यहाँ से तैयार होकर। तो फ्रेंड्स ये पार्किंग एरिया है, बीच के ही मेन एंट्रेंस गेट के सामने है। सो पार्किंग इजीली कर सकते हैं आप अपनी स्कूटी या बाइक। वो रहा बीच। सो वी आर अबाउट टू रीच देयर एंड आई एम वेरी मच एक्साइटेड। यहाँ पे आके एक अलग ही एनर्जी, अलग ही एक्साइटमेंट फील होती है, वो हम कह के नहीं बता सकते। वो जब आप यहाँ पे विजिट करोगे तो आप उस चीज़ को इजीली फील कर पाओगे। तो यहाँ से बीच की मेन एंट्रेंस स्टार्ट होती है, तो आप आसपास का व्यू देख सकते हैं कि लोग यहाँ पे कितना इन्जॉय कर रहे हैं, कितने एक्साइटेड हैं। और आप एक और चीज़ यहाँ पे ऑब्जर्व कर सकते हैं, यहाँ पे फुट मैट्स बिछी हुई हैं। तो इसका मेन पर्पस यही है कि जैसे कि आप सब जानते हैं कि बीच पे वॉक करना इट्स लाइक क्वाइट डिफ़िकल्ट, तो लोग ईजिली बीच तक पहुँच सकें और वॉक कर सकें, ताकि उनको वॉक करने में कोई डिफ़िकल्टी ना हो, इसीलिए ये मैट्स यहाँ पर लगी हुई है। तो आइए अब हम चलते हैं आगे। तो दोस्तों हम लोग कलंगूट बीच पे पहुंच चुके हैं। ये रही चिकी, बहुत अच्छी धूप लग रही है यहाँ पे सुबह की, और हम जा रहे हैं पीछे। अच्छा वहाँ पे